कला विज्ञान विद्यानां अभ्यासादुज्वलं पदम्। भगवान शिव को नटराज की उपाधि दी गई, उनको न कविराज कहा, न गीतराज कहा, न वैद्यराज कहा, न नेताराज कहा, नटराज कहा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि नृत्य में एक जो चाक्षुष यज्ञ है, दर्शक की भी आँखें, कान और हृदय सबसे बड़ा खुला होना चाहिए। ये उन गुरुओं में से हैं और इसीलिए मैं उनको श्रेष्ठ गुरु कहता हूँ, जो सही सवाल खड़ी करते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि इसके उत्तर खोजो। सोनल मानसिंह जी भारतीय संस्कृति को पुष्पित भी करती है, पल्लवित भी करती है और सुगंधित भी करती है। जब तक हम रूटेड की बात कहते हैं, जड़ से जुड़ने के लिए बात कहते हैं, जब तक भारतीय भाषा, भारतीय मूल चिंता, भारतीय विचारधारा को जोड़ने के लिए नृत्य संगीत के आधार पर उसको नहीं जोड़ेंगे, शायद हम भारत की चित्त मानस को स्थापित करने में और समझने में दिक्कत होगा। कला को, नृत्य को, संगीत को हम जीवन के अविभाज्य अंग समाज तो माना है, लेकिन व्यवस्था, सत्ता, सिस्टम, शिक्षा की पद्धति, इसको क्यों नहीं मानते? तो आज ऐसी स्थिति, एक अच्छी स्थिति आ रही है, इसलिए स्वर्णिम काल को लाने में सोनल जी जैसे लोगों ने कैसे प्रयत्न किया है, वो अपने आप में एक रोचक इतिहास है, वो भी हमें समझना चाहिए। राम।